त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर भाजपा के प्रतिनिधि जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जन चौपालों पर पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। शनिवार को गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के गांव राल में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने कहा कि योगी और मोदी की सभी योजनाएं जनहित में चल रही हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नाम मात्र के लिए आती थी, अब भाजपा सरकार में बिजली जाती ही नहीं है। किसानों को किफायती दरों में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मोदी और योगी सरकार ने गरीबों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रखी हैं, जिनका गरीब तबके के लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने कहा कि मोदी योगी राज में किसान संपन्न है। आज किसानों की फसलों की सरकारी दरों पर रिकॉर्ड की खरीदारी हो रही है। फसलों की सिंचाई के लिए नहर बम्बों में भरपूर पानी आ रहा है। सभी सड़कें गड्ढा मुक्त और पहले से चौड़ी बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से गुंडा राज का खात्मा हुआ है। इस दौरान विनोद अग्रवाल, हीरा सिंह, सुनील चतुर्वेदी, प्रदीप गोस्वामी, चेतन स्वरूप पारासर, चंद्रभान कुंतल, नितिन शर्मा, युवराज सिंह, रमन लाल, तेज प्रकाश, के गौतम, कमल प्रसाद ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीमा मुग्दम और संचालन ज्ञानेंद्र सिंह राणा ने किया। किसानों की इनकम डबल हो, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और इस देश की इकोनॉमी में किसान की बड़ी भूमिका है, गाँव की बड़ी भूमिका है। तो आदरणीय मोदी जी जो गरीब परिवार से आते हैं और गांव आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, हमारा किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उसके लिए हमारी सरकार कानून लेकर आई है और इस देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को सब जानते हैं और जब तक नरेंद्र भाई मोदी हैं तब तक किसानों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कोई भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, उनका वजूद समाप्त है। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, खासतौर से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय तक इस देश में शासन किए, 4.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसान अब आज़ादी चाहता है, किसान खुले बाजार की आज़ादी चाहता है। किसान जो साहूकार से जो ब्याज पर ब्याज के चक्कर में वो रहता है उससे आज़ादी चाहता है। तो ये आज़ादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसानों को दे रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल हैं जो गुलामी की जंजीरों में अभी भी जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने आज़ादी पसंद नहीं है। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे किसानों को आज़ादी पसंद है और इसलिए पूरा देश का किसान आदरणीय मोदी जी के साथ है। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो समय समय पर लोगों के सामने आता रहता है और बहुत दुखद है कि पत्रकारों के साथ मारपीट करना और फिर माफ़ी भी नहीं मांगना। मैं मानता हूँ कि पत्रकार का काम होता है लोगों को जो सेंटिमेंट है नीचे उसके बारे में कम्युनिकेट करना, सवाल पूछना आपका अधिकार है, जवाब देने का हमारा अपना सीमाएँ हैं। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब अगर है आपके पास तो देना चाहिए, बौखलाहट में किसी को नहीं आना चाहिए। और पत्रकारों के साथ जिस तरह से मिसबिहेव हुआ वो बहुत गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ।